अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ रबिया और आप लोग देख रहे हैं हिजाबीज़ किचन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज ईद स्पेशल बनाने जा रहे हैं हम लोग और बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंगो डिलाइट, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने लिया है 1.5 कप मिल्क, देख सकते हैं आप लोग, और हमने एक प्याली भर के तबीयत से चीनी ले ली है, क्योंकि हो सकता है कि आम जो हैं वो खट्टे हों, क्योंकि आजकल के मौसम का आप लोग को पता है। फिर हम लोगों ने 2 तबीयत से बड़े बड़े आम काट लिए हैं, फिर हम लोगों ने एक अलग से बड़ा आम काट लिया है, 2 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे हम, जो एक आम हमने बड़ा वाला अलग किया है, इसको हम लोग शेक में इस्तेमाल करेंगे दूध को और चीनी को। जब ये हो जाएगा तो हम लोगों का काम है आइसक्रीम को उसके अंदर मिक्स करना। आइसक्रीम की शक्ल आप लोग देख रहे हैं, अब मैं इसको जल्दी से जाके फौरन से, वनीला आइसक्रीम मैंने लिया, आप लोग चाहें तो मैंगो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रिज में रख के आती हूँ और जल्दी से इसको बनाती हूँ, वरना इसकी शक्ल मज़ीद बेहाल हो जाएगी। हमने इस जूसर के अंदर एक आम डाल दिया है, जो 2 आम है वो हम लोगों ने काट के अलग किए हैं, अभी आप उनको भूल जाएँ। ये हमारा आधा कप जो दूध है वो इसके अंदर जा रहा है, यूँ चला गया। इसी तरह से हमारा 1 कप मज़ीद दूध इसके अंदर जाएगा, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और हमारी भरी हुई तबीयत से चीनी फुल हमने इसके अंदर डाल दी, और अब हम इसको चला लेंगे जूस की तरह, जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली वो ही बनाएंगे। अब हमारा जो शेक है उसको हमने एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लिया है, और हमारा जो हमारे देखो जरा मैं लेमन बोल रही हूँ, हमारे जो मैंगोज हैं उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, और हमारी आइसक्रीम जिसका भी बहुत थोड़ी देर में कुछ होने वाला है उसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने वनीला फ्लेवर चूज़ किया है, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग को जो समझ आए। वैसे मोस्टली जो है वो वनीला इसलिए डाला है क्योंकि बहुत मैंगो मैंगो ना हो जाए, और फिर अगर आप लोग मैंगो डालना चाहें, आपको मैंगो बहुत ही कोई आला लगता है तो आप मैंगो भी डाल सकते हैं, और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मैंगो डिलाइट तैयार हो गया, और आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बल्कि चाहें नहीं आप इसको लाजमी फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रह के इसकी जो आइसक्रीम है वो बहुत जल्दी से मिल जाएगी और वो बिल्कुल पता नहीं चलेगी। आप इसे फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे तो ज़रा आपको फील होगी कि हाँ आइसक्रीम के चंक्स आ रहे हैं, और ये आप लोग बनाते ही खाएंगे, जैसे आपने बनाया फौरन खाना है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत मेल्ट हो जाए और उसका टेस्ट उतना अच्छा ना आए, जितना अच्छा आप फौरन बनाते ही खाएंगे तो आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जज़ाकअल्लाह।